नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक भाई हमारे हैं, बहुत प्रिय मित्र हैं, और उन्होंने फ़ोन से हमसे बात किया था और पूछ रहे थे कि भाई साहब, जो हमारा ये रील का बुश होता है वो बहुत ज़्यादा तोड़ देता है, रील का बुश। तो भाई, मेरे पास तो वाला बुश नहीं है जो आप बता रहे हैं। वो बूस गोल बूस होता है, सब बूस गोल होते हैं, लेकिन वो जो बूस है वो लंबा सा गोल होता है। मतलब पहले मल्किट में देता था और MS गाड़ी में, ऐसे बहुत गाड़ियां थी जिसमें वो देता था, लेकिन अब के टाइम में ये जो बूस की बनावट है कटर का, वो बदल दिया है। जैसे अगर हमारा ये बूस कभी टूटेगा नहीं, पहली बात, और दूसरी बात ये कि इस पाइप में जो रील पाइप होती है, यहाँ पे अलग से एक पाइप और फिट करके रखा है अंदर, कि जो हमारा ये पाइप है वो कटे ना। कटे तो हमारा जो अलग का जो ये पाइप डाल के वेल्डिंग कर दिया है, यही कटे। और जो हमारा बूस है दोस्तों, ये बूस है, इसमें वो झंझट ख़त्म हो गई है। और आप बदलना चाहते हैं तो ये बोल्ट और ऊपर वाली बोल्ट खोल के बाहर करके इसको बदल सकते हैं। बहुत ही आसानी से 2-3 मिनट में बदला जा सकता है, लेकिन जो वो बूस हैं वो जल्दी बदलने वाले नहीं हैं। मतलब आपको पूरा यहाँ से खोल के निकालना पड़ेगा, 4 जगह से खोल के निकालना पड़ेगा। इधर हो गया दोस्तों, उसके बाद ये बीच वाले, उसके बाद वहाँ पर, उसके बाद उधर, आपको चारों जगह किसी। तो दोस्तों, इसमें यही बढ़िया सिस्टम है कि दोस्तों, इसमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दिया है कि आप जो है सो इसको डाल सकते हैं, और जो बाकी हो गया उस बूसों का जो पूरा खोल के लगाना पड़ता है, उन बूसों की बात करें तो आप दोस्तों उसमें एक ही काम कर दीजिए, जैसे कि सिंगल ना रखें। अगर यहाँ पर तोड़ रहा है तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा एक बूस ऐसे छोड़ देना चाहिए, जैसे लगाने के बाद एक हमारा यहाँ चल रहा है और दूसरा हमें एक्स्ट्रा यहाँ छोड़ देना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर भी एक्स्ट्रा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बूसे टाइने जितने होती हैं, टाइने खोल लेंगे जब पूरा, तब उसके बाद लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आप जब भी मतलब उसको लगाएं तो यहाँ एक्स्ट्रा एक बूस डाल लें, जो कि अगर कभी हमारा तोड़ता है तो उसको हम आसानी से पहना सकें। तो धन्यवाद।